प्रेरणा कथा। प्रेम भारतीय परिप्रेक्ष्य में। प्रियंका और देवास के प्रेम की कोई सीमा ही नहीं थी। दोनों की उम्र में 10 वर्षों का फर्क था, परंतु दोनों की आत्माएं एक हो चुकी थी। ये सब होते हुए भी वो दोनों अलग अलग घरों में रहते थे, उनके दिल मिल चुके थे और उन्होंने मन से अपने आप को विवाहित मान लिया था। दोनों ही नहीं जानते थे कि उनका भविष्य क्या था, इसलिए वर्तमान में जीते थे। एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए वो दोनों जीवन का संपूर्ण आनंद लेते थे। बहादुर प्रेमी प्रेमिका थे प्रियंका और देवास। सो समाज के नियमों की और समाज के पुराने रूढ़िवादी विचारों की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। वो किसी भी अफवाह और लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वैसे तो प्रियंका के माता पिता देवास का आदर करते थे, परंतु वो उन दोनों के विवाह के विरुद्ध थे। देवास पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर था और एक बहुत बड़ी कंपनी में उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी। उसका बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था। किसी भी समस्या का समाधान वो चुटकियों में खोज लेता था। देवास के मित्र उसकी सलाह लिया करते थे। देवास को मानव मनोविज्ञान की बहुत अच्छी जानकारी थी। वो बहुत किताबें पढ़ता था और प्रियंका और अपने दोस्तों के साथ बहुत से विषयों पर चर्चा किया करता था। समाज में पार्टियों इत्यादि में वो भाग तो लेता था, परंतु वह बहुत ही अनुशासन में रहता था। सभी जवान औरतें उसके जैसे पति को पाकर खुद को भाग्यशाली मानती थी। वैसे तो दफ्तर में बहुत सी खूबसूरत जवान लड़कियां थी, परंतु प्रियंका ने देवास का दिल बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से चुरा लिया था। दोनों के माता पिता भी आपस में मित्र थे और एक परिवार के लोग दूसरे परिवार के लोगों से मिलते रहते थे। देवास का घर प्रियंका के घर से कुछ ही दूरी पर था। उनका प्रेम रोमांच से भरा हुआ था। प्रियंका के घर में जब भी कोई ख़ास चीज़ पकाई जाती थी तो वो ही एक प्लेट या कटोरे में वो देवास के घर में दे आती थी, और ऐसा ही देवास भी करता था। प्रियंका को देवास की मम्मी से बातें करना भी बहुत अच्छा लगता था। उसकी मम्मी बहुत ही विनम्र स्त्री थी। प्रियंका और देवास की मम्मी एक दूसरे को खाना पकाने की नई नई विधियाँ भी बताती रहती थी। दोनों बहुत से विषयों पर चर्चा भी करती थी। देवास के डैडी भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। प्रियंका अंकल के व्यक्तित्व को देवास के व्यक्तित्व से मिलाया करती थी। दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली थे। देवास के डैडी बहुत ही दयालु इंसान थे, लेकिन देवास की मम्मी थोड़ी सी कठोर थी। दोनों को ही प्रियंका अच्छी लगती थी। वो दोनों ही चाहते थे कि देवास और प्रियंका की शादी हो जाए। विशेष अवसरों पर या त्योहारों के मौके पर दोनों परिवार एक दूसरे के घर पर जाया करते थे। प्रियंका को देवास की मम्मी के साथ उनकी रसोई में मदद करना अच्छा लगता था। देवास के डैडी प्रियंका के मम्मी और डैडी के साथ बाहर के कमरे में बैठकर गप्पे लड़ाते थे। वैसे तो प्रियंका के डैडी और मम्मी दोनों ही देवास से बहुत प्रभावित थे, परंतु प्रियंका के माता पिता पुराने समाज की परंपराओं को मानते थे। एक दिन उन्होंने बातों बातों में ही देवास के माता पिता को बता दिया था कि वो प्रियंका के लिए उसकी उम्र का ही लड़का खोज रहे थे। देवास प्रियंका से 10 बरस बड़ा था, फिर भी देवास ने हार नहीं मानी। उन दोनों का प्रेम बढ़ता ही गया। देवास के माता पिता ने तो अनौपचारिक ढंग से प्रियंका को अपने घर में स्वीकार कर लिया था। प्रियंका शिक्षिका बनने के लिए अपनी MED की पढ़ाई कर रही थी। देवास के मम्मी डैडी को शर्मीली मीठा बोलने वाली खूबसूरत प्रियंका बहुत ही अच्छी लगती थी। प्रियंका और देवास एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं बिता सकते थे। जब वो अकेले होते थे और घर में और कोई नहीं होता था तो वो शारीरिक बंधनों को भी तोड़ देते थे। लोग बहुत सी बातें करते थे, पर वो किसी की भी परवाह नहीं करते थे। जब देवास ने प्रियंका के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। एक दिन देवास ने प्रियंका से कहा कि उसके पास एक योजना थी। हम दोनों अमेरिका चले जाएंगे और शादी करके वहीं रहेंगे। वहाँ तुम्हारे मम्मी डैडी का समाज नहीं होगा। प्रियंका को ये विचार अच्छा लगा था। वो विदेश जाने को तैयार हो गई थी। वो छात्र के रूप में अमेरिका जाने को तैयार हो गई। उसको इस तरह वीज़ा मिलना भी आसान होने वाला था। प्रियंका को अमेरिका के एक कॉलेज में छात्रवृत्ति भी मिल गई। देवास ने प्रियंका का एक तरफ का टिकट भी बुक करवा दिया था। एयरपोर्ट पर देवास उसको छोड़ने आया था। वो सिर्फ देवास के कारण ही अमेरिका जाने में सफल हो सकी थी। प्रियंका ने प्रतिदिन उसको फ़ोन करने का वादा किया। एक वर्ष के बाद देवास ने भी अपनी कंपनी में सिफारिश करवाकर अपना ट्रांसफ़र कंपनी के मुख्यालय न्यू जर्सी में करवा लिया।
उसको काम का अनुभव था, कंपनी में उसका अमेरिका में स्वागत किया। प्रियंका देवास को एयरपोर्ट पर लेने को आई थी। एक दूसरे को 2 वर्षों के बाद मिलकर दोनों बहुत ही खुश हुए। प्रियंका ने खुशी से कहा, देव आखिर हमने ये कर दिखाया। देवास ने मुस्कुराकर कहा, मेरी जान ये तुम्हारी हिम्मत के कारण ही हो सका। उसने प्रियंका को बाहों में लेकर चूम लिया। दोनों ने एक नया घर किराए पर ले लिया। दोनों के दफ्तर उस घर से कुछ ही दूरी पर थे। 1 साल तक दोनों उस घर में रहे। प्रियंका भी शिक्षिका बन चुकी थी। अब दोनों ने शादी करके अमेरिका में ही स्थायी होने का निर्णय लिया। दोनों ने अदालत में जाकर शादी कर ली और दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी भी की। शादी के बाद अमेरिका में उनके ऊपर न तो समाज का कोई बंधन था, ना ही उम्र के फ़र्क का कोई बंधन था, और ना ही लोगों के द्वारा आलोचना का भय था। लेकिन जब प्रियंका के माता पिता को शादी की बात मालूम हुई, वो दंग हो गए। उन्होंने देवास के माता पिता से बातचीत बंद कर दी। आखिर अपनी शादी के 1 बरस के बाद प्रियंका और देवास अपने माता पिता को मिलने भारत आए। देवास के माता पिता ने तब दोनों का तहे दिल से स्वागत किया। माता पिता ने दोनों को ही आशीर्वाद दिया। प्रियंका एयरपोर्ट से देवास और उसके मम्मी डैडी के साथ उनके घर उनकी बहू के रूप में चली गई। अगले दिन उसने अपने माता पिता से मिलने का साहस एकत्रित किया। वो नहीं जानती थी कि उसके रूढ़िवादी माता पिता उसको देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। प्रियंका की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। बेटी को 3 वर्षों के बाद देखकर वो खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने प्रियंका को गले से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके डैडी ने भी प्रियंका का घर में स्वागत किया। 1 घंटे तक वो लोग बातें करते रहे। माँ ने प्रियंका से पूछा कि क्या वो देवास के साथ खुश थी। प्रियंका ने कहा कि वो बहुत अधिक खुश थी। माँ ने कहा कि उसके अच्छे कर्मों का ही फल था कि उसको देवास जैसा पति मिला था और इतना अच्छा परिवार मिला था। जाने से पहले प्रियंका ने अपने मम्मी डैडी से कहा, आज रात को हम लोग डिनर के लिए दीवान रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आपको भी आना होगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। उसके मम्मी पापा ने स्वीकार कर लिया। प्रियंका के सर से एक बड़ा बोझ उतर गया था, क्योंकि उसके मम्मी डैडी ने देवास को भी स्वीकार कर लिया था और उनकी शादी को मान्यता दे दी थी। रेस्टोरेंट में प्रियंका के मम्मी डैडी ने देवास के मम्मी डैडी से माफ़ी मांग ली। सभी लोग खुश हो गए और डिनर का आनंद लेने लगे। दोनों के मम्मी डैडी ने देवास और प्रियंका को बहुत से उपहार दिए। उनकी शादी की पहली सालगिरह बहुत सुखद थी। अगले दिन प्रियंका के मम्मी डैडी ने देवास के मम्मी डैडी को अपने घर खाने पर बुलाया। सभी गिले शिकवे समाप्त हो चुके थे और दोनों परिवारों के बीच की दूरियां समाप्त हो गई थी। अपने परिवारों के साथ 15 दिन बिताने के बाद प्रियंका और देवास 1 महीने के लिए स्विट्ज़रलैंड चले गए। उनके जाने के बाद भी दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते रहे। देवास के डैडी मम्मी और प्रियंका के मम्मी डैडी अब अक्सर अपने रूढ़िवादी समाज की बुराइयों के बारे में ही बातें करते थे। प्रियंका के डैडी, कितने अच्छे हैं गोरों के देश, न जात न पात। देवास के डैडी, कोई धर्म गोत्र नहीं पूछता। देवास की मम्मी, आलोचना करने वाला समाज नहीं है वो। प्रियंका के मम्मी, कोई किसी के निजी जीवन में नहीं झांकता है, हमारे ज़माने में तो कितनी परेशानियाँ हुई थी, मेरी इनसे शादी नहीं होती क्योंकि हमारी कुंडली नहीं मिल रही थी। प्रियंका के डैडी, सब बकवास लगता है अब तो सब, दिल मिल जाए तो क्या समाज और क्या जाति धर्म, हमारे बच्चों ने हमारे विचार ही बदल दिए हैं। देवास के डैडी, चलिए जी अब छोड़िए, अंत भला तो सब भला, अब तो तैयारियां कीजिए, अगले साल हम सभी अपने बच्चों के पास 2 महीने बिताने अमेरिका जाएंगे, क्या विचार है आपका? सभी ने खुशी से सहमति दे दी। प्रियंका और देवास ने अपना ही नहीं अपने मम्मी पापा के जीवन में भी एक नयापन और नई खुशियां ला दी थी। हालांकि उनके रिश्तेदार और पास पड़ोस के लोग बातें करते रहे, परंतु मम्मी पापा ने किसी की बात को भी गंभीरता से नहीं लिया। अंत में प्रियंका के डैडी ने कहा, अगर भारत में सभी माता पिता समय रहते हमारी तरह सुधर जाएं, तो हमारे देश को भी अमेरिका या इंग्लैंड की तरह अमीर और खुशहाल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे यहाँ बहुत सा समय और बहुत से पैसे तो आडंबरों और कर्म कांडों में ही खर्च हो जाते हैं, और ऊपर से आपसी झगड़े अलग। बहुत बहुत धन्यवाद।